गाइस, मेरा नाम है दीपिका। आपके चैनल मतलब दीपा सॉफ्टवेयर स्कूल चैनल में आप सबका बहुत बहुत एक और बार बहुत ही क्यूट सा सॉफ्ट टॉय लेके मैं आ गई हूँ। देखिए, ये पू है। पू तो मैं बहुत बनाई हूँ, मतलब दो टाइप का पू तो बनाई हूँ और आप लोगों ने बहुत पसंद किया। पू बनाई हूँ, पिगलेट बनाई हूँ। आप लोगों को नहीं पता तो जरूर जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। ये दो कैरेक्टर मेरे चैनल पर पहली बार आया था जब मैं चैनल स्टार्ट की थी, तो ये मेरा क्रिएशन है। और ये मैं मार्केट से जो जैसा पू मिलता है उसी के तरह बनाने की मैं कोशिश की हूँ। और कहाँ तक मैं सक्सेस हुई हूँ आप लोगों के थ्रू मुझे पता चलेगा। तो कैसा लगा पू मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग इतना कम कमेंट क्यों करते हो? 3000 लोग हो और मतलब अच्छा सा एक दो कमेंट क्यों आता है? आप लोगों को कमेंट करना पसंद नहीं या फिर कमेंट करने को आपको मन नहीं करता? मन करता है ना, तो जरूर कमेंट कीजिएगा और लाइक तो जरूर कीजिएगा। चैनल को और मेरी वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे हेल्प हो सके। देखिए, बिना चार्जेस का किसी को हेल्प करना हो तो बस इतना ही कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, तो उतने में हम लोगों का बहुत हेल्प हो जाता है। और साथ ही साथ ये पू कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो इस पू को बनाने के लिए हम लोगों को बेसिकली देखिए ये चाहिए वेल्वो, येलो वेल्वो। और देखिए, ये मेरे पास बस इतना ही रेड कलर था और बस 5-10 सेंटीमीटर का ये रेड वेल्वो चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों को ये वाला आइस चाहिए। मेरे पास चिपकाने वाला आइस है, देखिए अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए चिपकाने वाला आइस और नोज, ये सब चाहिए। और आप लोगों को स्टफ चाहिए। स्टफ इसमें करीबन 150 ग्राम लग जाएगा इसमें, देखिए स्टफ। और स्टिच करने के लिए, स्टिचिंग के लिए थ्रेड नीडल तो चाहिए ही। और उसके साथ साथ आपको चाहिए सीजर काटने के लिए, और बस इतना ही चाहिए और आपका स्टफ बन जाएगा। अब ये कितना चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये है एक फीट का टेडी। ठीक है, यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक फीट का टेडी। एक फीट के लिए इसको चाहिए करीबन 20 सेंटीमीटर आपको चल जाएगा। और ये रेड वेल्वो तो बोली 5-10 सेंटीमीटर लग जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, मैं मिलती हूँ जब बनाते हैं इसे कैसे। देखिए, ये फेस पार्ट है, दो पार्ट को कट करेंगे कुछ इस तरह। जितना जितना आपको डार्ट, ये तीन डार्ट दिख रहा है ना, इस सबको पहले स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए सेंटर वाला हिस्सा है, मतलब हेड का सेंटर वाला हिस्सा है। देखिए, मैंने नंबरिंग कर लिया है, ये देखिए मैं सेंटर लिख रही हूँ। और कुछ इस तरह देखिए, यहाँ पर 3 से 3, 4 से 4, और देखिए ये 5 से 5। और यहाँ पर इतना आप स्टिच कर लीजिएगा। ये पूरा सिंपल ही है और कुछ दोनों साइड को इस तरह स्टिच कर लेंगे। और ये बैक हेड है और इसका देखिए ये वाला सेंटर में आप डार्ट दिखा रहा है, और आप स्टिच कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए ईयर पार्ट है, यहाँ से यहाँ स्टिच कर लीजिएगा। दोनों ईयर को स्टिच करने के बाद ये वाला नोज पार्ट है, स्टिच कर लीजिएगा। और यहाँ पर डार्ट दोनों है, और ये दो पार्ट को भी स्टिच कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये बैक हेड, बैक बॉडी है, अपर बॉडी है, और इसका यहाँ से यहाँ स्टिच कीजिएगा। और ये वाला हिस्सा छोड़िएगा, खुला छोड़िएगा, ताकि हम लोग स्टफ वगैरह अंदर डालेंगे ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर खुला छोड़ रही हूँ। उसके बाद देखिए ये लोअर पार्ट है, बॉडी का लोअर पार्ट है, और इसको इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर डार्ट है, इसको स्टिच कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये फ्रंट बॉडी है, ये फ्रंट बेली पार्ट है, देखिए यहाँ पर भी डार्ट है, दिख रहा होगा आपको। और इस तरह रख के यहाँ से यहाँ स्टिच कीजिएगा। और ये लेग पार्ट है, इनर लेग है, और कुछ इस तरह रखिएगा। यहाँ से पहले डार्ट को स्टिच कर लीजिएगा, उसके बाद ये इनर लेग को स्टिच कीजिएगा। दोनों साइड स्टिच कर लीजिएगा कुछ इस तरह, दोनों साइड को। उसके बाद देखिए ये बॉडी पार्ट है, ये एक बैक साइड बॉडी है और ये एक फ्रंट साइड बॉडी है। ये बैक साइड बॉडी है, और जो बड़ा वाला होगा बैक साइड और जो छोटा वाला होगा फ्रंट साइड। तो दोनों को देखिए यहाँ पर ये वाला स्टिच कर लीजिएगा, ये दोनों पार्ट को।
और उसके बाद ये हैंड पोर्शन है, देखिए दो पीस कट कीजिएगा। और देखिए इसका कोना, देखिए यहाँ पर ये दोनों का कोना और यहाँ पर कोना, ये वाला स्टिच कीजिएगा। खुला छोड़ दीजिएगा, दोनों साइड स्टिच कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, अब मैंने, देखिए मैंने आपको दिखाया नहीं, वो वीडियो डिलीट हो गया, जो फ्रंट फेस का जो नीचे पार्ट होगा वो वाला पार्ट आप स्टिच कर लीजिएगा। और देखिए, और ये हम लोगों का जो ईयर पार्ट है इसको सीधा करेंगे, और जहाँ हमने सेंटर हेड को स्टिच किया था वहाँ पर थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे, और यहाँ पर ईयर पार्ट को कुछ इस तरह आधा ही हाफ स्टिच कर लीजिएगा। दोनों पार्ट देखिए मैंने एक साइड स्टिच कर लिया है आपको दिखाने के लिए, दो साइड देखिए कुछ इस तरह स्टिच हो गया। उसके बाद देखिए हेड है, बैक साइड का हेड है, कुछ इस तरह सेंटर को सेंटर से जॉइंट करेंगे, और ये वाला जो ईयर पार्ट है उसको नीचे की डाउन तरफ उसको स्टिच करेंगे, और देखिए कुछ इस तरीके से स्टिच कर लेंगे, पूरा हेड हाफ मून की तरफ स्टिच हो जाएगा। उसके बाद स्टिच होने के बाद ये नोज पार्ट है, देखिए सेंटर में रख के, ये देखिए यहाँ पर ये एक डॉट है और इसका ये वाला डॉट है, इस तरह स्टिच कर लीजिएगा। और ये देखिए ये लोअर पार्ट है, बॉटम पार्ट, इस तरह रखेंगे इसको, सीधा करके रखेंगे। और उसके बाद देखिए हम लोगों का ये जो अपर बॉडी था बैक वाला, इसको इस तरह स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर एक कोना, इसका ये वाला सेंटर और ये इसका कोना स्टिच कर लेंगे। उसके बाद देखिए मैंने एक एक टक लगा दिया है। उसके बाद देखिए ये वाला फ्रंट बॉडी है, रखेंगे इसको सामने की तरफ रखेंगे, और देखिए ये वाला हैंड यहाँ से और यहाँ से और आप यहाँ से रखेंगे, पूरा इक्वल होगा, पूरा स्टिच कर लीजिएगा। इस तरह आप दोनों साइड सेम स्टिच कीजिएगा, और ये देखिए स्टिच कर दीजिएगा, और यहां से स्टिच कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए हैंड पोर्शन है, मैं दिखाई नहीं थी स्टिच कैसे करते हैं, इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, यहां से स्टिच कर लेंगे। मैं दोनों साइड आपको स्टिच कर ली हूं। उसके बाद हैंड पोर्शन को लगाएंगे, हैंड पोर्शन कैसे लगाएंगे देखिए, इस तरह लगाएंगे, देखिए ये दो हैंड इस तरह रखेंगे, देखिए कुछ इस तरह, देखिए यहाँ से जैसे ये ऊपर की तरफ रहेगा, फ्रंट साइड में ही, फ्रंट के साइड में ही ये ऊपर की तरफ उठा रहेगा, उस तरह लगाएंगे। और इसका देखिए ये पूरा कोना, एजेस सब आप एक एक टक लगा देंगे। हो गया, अब क्या करेंगे इसको इस तरह रख के पूरा गोलाई में स्टार्टिंग से यहां तक स्टिच कर लेंगे, दोनों साइड सेम करेंगे। हो गया, मैंने हैंड भी लगा दिया, और ये देखिए बॉटम पार्ट होता है जो ये वाला, कट करके कुछ इस तरह सेंटर से सेंटर करके गोलाई से स्टिच कर लेंगे कुछ इस तरह। उसके बाद हम हेड को भी मैंने स्टिच कर लिया, देख लीजिए, और उसके बाद स्टिच करेंगे। देखिए हेड का ये वाला सेंटर वाला हिस्सा, देखिए, और इस सेंटर वाले हिस्से में स्टिच करेंगे, और इसका देखिए ये वाला डार्ट जो है यहाँ पर इसको रखेंगे, और यहाँ पर ये वाला डार्ट, बस गोलाई में स्टिच करेंगे, और ये वाला सेंटर वाला हिस्सा इस सेंटर वाले हिस्से को पकड़ेंगे और गोलाई में पूरा स्टिच कर लेंगे। और देखिए मैंने जब स्टिच किया था बॉडी पूरा ड्रेस स्टिच होगा, उसका एजेस सब ना मुड़ मुड़ के आप स्टिच कर लीजिएगा, और उसके बाद इस तरह एक लेस टाइप कट कीजिएगा, और उसको इस तरह पीछे की तरफ रख के
और स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। मशीन वगैरह है तो मशीन में स्टिच कर लीजिए, नहीं तो हाथ में ही स्टिच कीजिए। जैसे भी स्टिच कीजिए, प्लेन स्टिच कीजिए या फिर आप इस तरह मैं जो स्टिच कर रही हूँ उस तरह स्टिच कीजिए, जैसे भी स्टिच कीजिए। और फिर इसको इस तरह पूरा गोलाई में, जैसे नेक और हैंड पूरा गोलाई में ऊपर का हिस्सा स्टिच कर लीजिएगा। देखिए अब ये बॉडी भी स्टिच हो गया, रेडी हो गया, और उसके बाद हम लोगों का ये ड्रेस भी रेडी हो गया। देखिए मैं स्टिच कर ली हूँ। सीधा करने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों को मतलब वो बॉडी पार्ट को भी सीधा करेंगे और स्टफ डाल देंगे, इसको भी सीधा कर लेंगे। और इसके बाद देखिए स्टिच हो सीधा करने के बाद ना पहले आप ड्रेस पहना देंगे, नहीं तो आप स्टफ डालने के बाद ड्रेस पहनाएंगे तो वो ठीक से पहनेगा नहीं। इसके अंदर अभी स्टफ डाल देंगे। देखिए मैंने स्टफ डाल दिया और उसके बाद इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। जिस तरह हम लोग ओपन पार्ट को स्टिच करते हैं उसी तरह ही आप नीट एंड क्लीन आप स्टिच कर लीजिएगा। अब बन गया ये और मैंने इसको ग्लू से स्टिक कर लिया। आप चाहे तो इसको हॉट ग्लू गन हो या फिर कोई भी ग्लू हो जिससे कपड़े में आसानी से चिपक जाए उससे आप स्टिक कर लीजिए। तो बन गया ये, कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने एरोप्लेन बनाना सिखाया था, आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार।